खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल कार्यालय में नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन कार्य शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। आपको बता दें कि दिनांक 16 सितंबर को गोगरी नगर परिषद अध्यक्ष पद से सुमन देवी, रंजीता निशा, संगीता देवी, रोशन भारती ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उपाध्यक्ष पद से राहुल देव वर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अगर बात करें वार्ड पार्षद की तो नगर परिषद वार्ड संख्या 26 से तपेश्वर प्रसाद, वार्ड संख्या 21 से किरण देवी, वार्ड संख्या 3 से अमन कुमार, वार्ड संख्या 4 से वंदना देवी, वार्ड संख्या 19 से दयानंद मंडल, वार्ड संख्या 35 से रूपम कुमारी एवं वार्ड संख्या 23 से काहो देवी ने नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी ताल ठोक दी है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि वार्ड संख्या 23 के वार्ड पार्षद उम्मीदवार काहो देवी की उम्र 82 वर्ष बताई गई है, जो कि इस बार वार्ड पार्षद की चुनाव लड़ रही है। वहीं समर्थक की भीड़ काफी देखी गई, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से तैनात देखा गया। आइए सुनते हैं उम्मीदवार से क्या कुछ कह रहे हैं। सब एडिटर बिहार एन कुमार की रिपोर्ट। जी क्या नाम हुआ आपका? किस पद से चुनाव लड़ रही है? मतलब कि चुनाव में जो लड़ रहे हैं इसमें आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? विकास करने। जी और कुछ मतलब आपको जनता से कैसा भरोसा मिला है? कुछ तो जनता ने भरोसा दिया होगा ना? अच्छा दिए हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुजीत जी आप बताइए क्या भरोसा है आपको? बहुत अच्छा भरोसा है, जनता से पूर्ण उम्मीद है और आप देख भी सकते अच्छा, हैं। एक चीज आप बताइए, समर्थन जी जी, ये प्रत्याशी आपकी चाची है। जी 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 जी, आप ये बताइए कि सबसे पहले चुनाव में जो आप जनता के बीच जा रहे हैं, जो जाएंगे जी, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं और अभी भी उसी एजेंडे के साथ हूं। किस उद्देश्य से लोग आपको मत देगा ये बताइए? सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं और सारी योजनाओं को मैं धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा, ये मैं पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं। अच्छा एक चीज और बताइएगा, इससे पहले आप पहले पंचायत में थे, मुखिया थे, अभी आप नगर परिषद में परिणत हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन दुख है कि पंचायत था अब हम लोग नगर परिषद में हम लोगों को कर दिया गया, इसका दुख तो है क्योंकि हम लोगों का पंचायत जाने योग्य नहीं था नगर में, फिर भी जब सरकार का हुक्म हो गया है तो उसको तो मानना पड़ेगा ही, तो उसको मानते हुए जनता के बीच आए हैं कि हम नगर का विकास करना है, नगर के साथ साथ गाँव का विकास करना है जो अब तक पिछड़ी हुई है। और आप देख भी सकते हैं हमारे नगर के कंपटीशन में गांव जो वो सारे गांव हैं जो पंचायत गई है, जैसे मुस्कीपुर हो गया हमारा, उत्तरी जमालपुर, दक्षिणी जमालपुर, राटन, ये सब पंचायत जाने योग्य नहीं था, लेकिन हम जब बनेंगे तो इन सब पंचायत को मुख्य धारे में लाने का प्रयास करें। अभी आपकी चाची का नामांकन हो गया जी जी, आप मतलब चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं इतनी सारी जो हजारों हजार की संख्या में जनता आई है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय देके हमारे समर्थन में इतने हुजूम के साथ आया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं हाथ जोड़ के नगर परिषद वासियों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी लाइव टीवी में बहुत बहुत। मेरा नाम रूपम कुमारी। किस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? वार्ड नंबर 35 से। चुनावी एजेंडा क्या होगा, किस उद्देश्य से जनता के बीच आप जाएंगे? जनता के बीच जाने का मेरा लक्ष्य है, बेसहारा गरीब लोगों की मदद कर सकूं, जो काम अधूरा पड़ा है उसमें पूरा सहयोग कर सकूं, अगर जनता चुनती है तो। जनता से आपको किस प्रकार का भरोसा मिला? जनता का सहयोग सपोर्ट मिला तभी तो चुनाव में उतरी हूं। क्या नाम है? जी किस पद से चुनाव लड़ रही हैं? समाज सेवा के लिए। किस पद से लड़ रही हैं चुनाव? नगर परिषद क्षेत्र संख्या 4 से, वार्ड पार्षद से। कितने नंबर वार्ड है? 4 नंबर। चुनाव में मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो? बस गांव का विकास हो, समाज का सेवा करेंगे, पहले भी मैं समाज सेवा कर चुकी हूँ और मेरा यही है कि हम गांव का विकास करेंगे, गांव के समाज के लिए लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे जनता और हमें अमन कुमार तीन नंबर। चुनावी एजेंडा क्या होगा आपका? जनता विकास का, विकास विकास। और कुछ कहेंगे? पहले आप पंचायत में थे, अभी नगर पंचायत नगर परिषद में आ गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले हम 5 बरस रह चुके हैं, 8 साल है और जो छूटेंगे उसको पूरा करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजीता है, मैडम शर्मा। किस पद से है? मुख्य पार्षद के रूप में। आप पहले भी कभी रह चुके हैं? आपको क्या लग रहा है इस बार पंचायत में क्या क्या कमी, नगर पंचायत में क्या क्या कमी?